माधव मेरे, ये तो तेरी ही नगरी है, तेरी ही माया है, तू ही सृष्टि के कड़कड़ में समाया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। माधव जी को तो ढेर सारा राधे राधे। इनके समक्ष आप जितना राधे राधे कह दें, समझ जाएं आपके कान्हा उतने ही आपसे खुश रहेंगे। माधव जी का स्नान, श्रृंगार, भोग, इन सब के दर्शन करें। और जानते हैं आज हम लोग कि अधिक मास में कान्हा जी की सेवा कैसे करनी है। और जो अधिक मास चल रहा है, जिनके पास कान्हा जी नहीं है या छोटे हैं, बड़े लाना चाहते हैं, तो क्या ये मलमास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास इसमें ला सकते हैं? तो आज इसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे ये अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास को ही ना पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, क्योंकि ये महीना स्वयं भगवान हरि के चरणों में समर्पित है। इस महीने प्रभु हरि की आराधना करना बहुत फलदायी होता है। और ये भी कहा जाता है कि इस अधिक मास में पूजा पाठ जितनी अधिक करी जाती है, उसका फल भी उतना अधिक मिलता है। इसलिए अपने कान्हा जी को दिल से सेवा करें, नए नए पकवान बनाकर खिलाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगार नया धारण कराएं, और उनके स्नान भी आप कई तरह से करा सकते हैं। जैसे कभी चंदन से करा दें, कभी यमुना जल से कराया, तो कभी जल में तुलसी दल डाल के कराते हैं, कभी उन्हें दही से मालिश करके स्नान कराएं, कभी पंचामृत अभिषेक करें। इस तरह से आप कई प्रकार से उनका स्नान कराएं, उनकी इत्र सेवा ज़रूर करें। ये मौसम है, थोड़ा सा बारिश भी होती है, तो अच्छे अच्छे पकवान ज़रूर खिलाएं उनको, और झूला झुलाएं। उनके झूले को आप कई तरह से सजा सकते हैं, जैसे झूला कभी फूलों से सजा हो, कभी पत्तियों से, कभी सब्जी और फलों से सजाएं, कभी झूले को टॉफ़ी बिस्किट से सजाएं। इस तरह से आप कई तरह से उनके झूले को सजा के, और अपने कान्हा जी को, अपने गोपाल जी को झूले में विराजमान करके उन्हें झूला झुलाएं, उनसे लाड़ लड़ाएं, ढेर सारा प्रेम करें उनको। इस तरह से आप अधिक मास में उनकी सेवा कर सकते हैं। और नाम जप करें, नाम आप हरे कृष्णा महामंत्र भी कर सकते हैं, और अपने कान्हा जी के सामने राधे राधे भी नाम जप कर सकते हैं। वो भी बहुत फलदायी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो अपनी राधा बहुत प्यारी है, और प्रभु हरि ही तो हमारे कृष्ण हैं। और कृष्ण के सामने अगर राधा नाम कहेंगे तो वो कितना खुश हो जाएंगे। राधे नाम सुनते मेरे माधव जी के चेहरे पे तो बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। आप सब भी अपने लल्ला की सेवा करें, जब उन्हें स्नान श्रृंगार भोग सब करा दें, तो उन्हें राधे नाम की एक माला ज़रूर सुनाया करें। इससे आपका मन भी शांत होगा और उन्हें भी बहुत खुशी होती है। अच्छा, एक बात और भी है कि कुछ लोगों के पास जैसे कान्हा जी नहीं है, वो लाना चाहते हैं या उनका श्रृंगार का सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास छोटे हैं वे बड़े लाना चाहते हैं, तो क्या अधिक मास में ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें ला सकते हैं? इसी को चहा मलमास भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही महीने के हैं, तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जैसे अधिक मास कह दें या पुरुषोत्तम मास कहें या मलमास कहें। तो लीजिए, मेरे प्यारे श्री माधव जी ने वस्त्र धारण कर ली हैं, और इनका मैं श्रृंगार आरंभ करूंगी, और आप सभी लोग श्रृंगार का आनंद लें। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि अधिक मास में क्या कान्हा जी ला सकते हैं, तो इसी बारे में आज छोटी सी चर्चा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हर किसी के अपने विचार होते हैं, सभी के विचार, सभी की सेवा करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। बस मैं तो यही कहूँगी कि आप सेवा करें, सेवा को सेवा नहीं प्रेम समझ के करें। जैसे आप अपने लल्ला को, अपने बच्चों को प्रेम करती है ना, बस आप अपने कान्हा जी को इतना ही प्रेम करें जितना आप अपने बच्चे को करती हैं। अगर आपने उतना भी प्रेम करना उनसे प्रारंभ कर दिया, या थोड़ा भी प्रेम उनसे करने लगे, तो समझ लीजिए आपकी सेवा सफल हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी हर परेशानी में आपके कान्हा, आपके गोपाल जी आपके साथ खड़े रहेंगे। आप सिर्फ उनसे थोड़ा सा प्रेम करके देखें।
ये चांद जैसे मुखड़े पे ये बिंदी बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है, नज़र ना लगे मेरे लल्ला को। चंदा जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरे लाल ये सितारा वो सितारा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, भगवान से सिर्फ प्रेम करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने लायक तो हम लोग है ही नहीं, उस भक्ति को हम लोग पहुँच ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। अगर भक्ति करना इतना सरल होता तो इतनी साधु संत कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, उनमें ध्यान लगाए हुए हैं, उन्हें प्रभु प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम लोग भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर लेंगे? भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, प्राप्त अगर करना है प्रभु को तो उनसे प्रेम करें, प्रेम से आप ज़रूर एक ना एक दिन तो प्रभु को पा ही लेंगे। और रही बात अधिक मास में कान्हा जी को लाने की और उनके श्रृंगार वस्त्र इन सब चीज़ों को लाने की, तो ये देखिए अधिक मास तो पूरा ही भगवान का ही है। ये जितने भी महीने आते हैं उसमें एक महीना एक्स्ट्रा ये जो होता है ना, ये भगवान को ही होता है, उन्हीं का ही महीना है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इसलिए आप कान्हा जी को बेझिझक लेके आएं। भगवान कभी भी घर में प्रवेश करें कभी ख़राब नहीं होता, सदैव शुभ ही होता है, और भगवान को लाने का हर दिन शुभ होता है। तो आप कभी भी अपने कान्हा जी को घर ला सकते हैं, छोटे हैं तो आप बड़े भी ला सकते हैं, लेकिन बड़े लाएं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि उनकी सेवा बराबर करें, एक को कम या ज़्यादा ना करें, बराबर सेवा रहनी चाहिए। इस तरह और इस भाव से आप उनको लेके आएं कि मेरे एक नहीं दो लाला हैं, ठीक है। और ये जो सामान लाने की बात है, अरे जब प्रभु घर आ सकते हैं वो बुरा नहीं है, तो उनका जैसे बहुत से लोग हैं जन्माष्टमी का सामान अभी से लाना चाह रहे हैं, अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये तो भगवान की सेवा में ही सारा जा रहा है, नाम जप है, संकीर्तन है, और उनकी सेवा जैसे इत्र मालिश करना, उनका स्नान कराना, उनको भोग लगाना नया नया, ये सारी चीज़ें आपकी अधिक मास में अधिक सेवा है, ठीक है। जैसे कहते ना कि इस महीने सेवा ज़्यादा करो और ज़्यादा नाम जप करो, ज़्यादा पूजा पाठ करो, तो भगवान उसका फल अच्छा देता है। तो जैसा आप अपने कान्हा जी के लिए करेंगे, भगवान सदैव आपके साथ उससे दोगुना बढ़ के देगा, क्योंकि भगवान कभी कम नहीं देता। भगवान को आप जितना समर्पित करेंगे स्वयं को, उतना प्रभु आपको समर्पित करेंगे स्वयं को, समझे। जैसे आप अपने कान्हा जी को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो कान्हा जी आपको आपसे भी दुगना प्यार करेंगे, आपसे भी दुगना ज़्यादा आपसे स्नेह करेंगे। और हाँ, आप सब भी बताइएगा कि इस बात पे आप सबके क्या विचार हैं। माधव जी का श्रृंगार भोग सब हो गया है और करें उनके श्रृंगार दर्शन। सदैव राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।